तो हेलो दोस्तों, कैसे सब आई होप के अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा यमुना का व्यू, जो यमुना का वाटर लेवल है फिलहाल में आगरा में वो कितना है और कहाँ तक पानी पहुँच चुका है और कितने किनारे डूब चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं अम्बेडकर ब्रिज पर और सामने हमारे ये यमुना किनारा रोड, और आप किनारे को देख सकते हैं यहाँ पर कितने किनारे डूबे हैं और कहाँ तक पानी आ चुका है। तो आप खुद एक आइडिया लग सकते हैं कि यमुना का जो वाटर लेवल है किस हिसाब से है और कहाँ पर पहुँच चुका है। तो दो दिन से बारिश हुई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आया, तो देखिए आप खुद एक आइडिया ला सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर। तो बाकी अब यमुना का जो व्यू है वो देखते हैं कि यमुना में जिस समय पानी है कितना है, वाटर लेवल कितना है और बाढ़ का कितना खतरा है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एतमाद वाला सामने है देखिए। तो अभी आप यहाँ से अगर यमुना का जो व्यू है वो देखें क्लियर, एक बहुत ही आप सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो यमुना का जो किनारे हैं वो डूब चुके हैं इस बाढ़ में, और सामने भी देखिए यमुना बहुत ही क्लियर देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि आप देखेंगे कि बादल भी काफ़ी ज़्यादा है, मौसम भी बहुत हो रहा है और सामने, और बाकी का जो आप देखेंगे यहाँ पर जो यमुना में पानी आने से जो अपने जो आसपास के लोकल के जो मछुआरे होते हैं वो यहाँ पर फिशिंग भी कर रहे हैं ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मछलियाँ भी आ चुकी हैं, मछली पकड़ रहे हैं। और बाकी यमुना का जो एक व्यू है वो आप सामने से देखेंगे, जो एक सुंदर सा नज़ारा नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि यमुना का जो वाटर लेवल है बड़ा, क्योंकि ये नज़ारा आपको सिर्फ इन बरसात के मौसम में ही मिलेगा, साल में एक बार ही मिलेगा, और बाकी के नज़ारे आपको मिलेंगे काफ़ी दिनों बाद। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछली वीडियो में कि यमुना का जो वाटर लेवल है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, अगर आप हमारी वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आप उस पर ज़रूर ध्यान देते होंगे कि यमुना का वाटर लेवल कितना है और आज कितना है। और बाकी का आप देखिए यहाँ पर जो आप खुद एक देख सकते हैं नज़ारा, जो व्यू एक समुंदर जैसा महसूस हो रहा है, व्यू तो बहुत ही प्यारा है। तो बाकी एक ठंडी सी हवा चल रही है और जो एक लहर है वो आप देख सकते हैं, लहरों का जो एक स्टेबलाइजेशन है वो कितना स्थिर है और कितना एक बढ़िया सा व्यू आ रहा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पूरी वीडियो में। और बाकी इस वीडियो को फिर यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लेकिन एक मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख कर ही चले आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमें भी और हम आपको भी करेंगे सपोर्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय एजे में, तब तक के लिए बाय।